सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। अयोध्या से प्रस्थान करने के तीसरे दिन शत्रुघ्न ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में विश्राम किया। रात्रि में उन्होंने मुनि से पूछा, हे महर्षि, आप आश्रम के निकट पूर्व में यह किसका यज्ञ स्थल दिखाई पड़ रहा है? महर्षि बोले, हे सुमित्र, यह यज्ञ स्थल तुम्हारे कुल के महान राजाओं ने बनवाया था। मैं उनके विषय में तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हारे कुल में सौदास नाम बड़े धार्मिक राजा हुए। एक दिन आखटे करते हुए उन्होंने वन में दो भयंकर दुर्दश राक्षसों को देखा। राजा ने बाण चलाकर उनमें से एक को मार गिराया। यह देखकर दूसरा राक्षस यह कहता हुआ अदृश्य हो गया, हे पापी, तूने इस मित्र को निरपराध मारा है, अतः मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कुछ समय पश्चात सौदास ने अपने पुत्र वीरसा को राज देकर और वशिष्ठ जी को पुरोहित बनाकर इस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय वही राक्षस अपने प्रतिशोध लेने के लिए वहां आया और वशिष्ठ जी का रूप बनाकर राजा से बोला कि आज मुझे मांस युक्त भोजन कराओ, इसमें सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने अपने रसोइयों को ऐसा ही आदेश दिया। इस आदेश को सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। तभी वह राक्षस रसोई के वेश में वहां उपस्थित हुआ और भोजन में मनुष्य का मांस मिलाकर राजा को दिया। राजा ने अपनी पत्नी सहित वह भोजन वशिष्ठ जी को परोसा। जब वशिष्ठ जी को ज्ञात हुआ कि भोजन में मनुष्य का मांस है, तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, हे राजन, जैसा भोजन तूने मुझे प्रस्तुत किया है वैसा ही भोजन तुझे प्राप्त होगा। राजा वीरसेन ने भी क्रोधित हो हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को श्राप देना चाहा, परंतु रानी के समझाने पर वह जल अपने पैरों पर डाल लिया। इससे उनके दोनों पैर काले हो गए। तभी से उनका नाम कल्माषपाद पड़ गया। तत्पश्चात राजा और रानी ने महर्षि वशिष्ठ के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और पूरा वृत्तांत उन्हें कहकर सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, 12 वर्ष पश्चात आप इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें इसका स्मरण भी नहीं रहेगा, हे शत्रुघ्न। इस प्रकार राजा कल्माषपाद उस श्राप को भोग कर पुनः राज प्राप्त कर धैर्य पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उन्हीं राजा सौदास और राजा कल्माषपाद का यह सुंदर यज्ञ स्थल है। यह कथा सुनकर शत्रुघ्न अपनी पर्णशाला में विश्राम करने चले गए। जिस दिन शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, उसी रात को सीता जी ने एक साथ दो पुत्रों को जन्म दिया। तपस्विनी बालाओं से उनके जन्म का समाचार सुनकर महर्षि ने एक कुशाओं का मुद्रा और उनके लव लेकर मंत्रोच्चारण द्वारा उनकी भावी बाधाओं से रक्षा करने की व्यवस्था की। फिर एक का कुश और दूसरे का लव से मार्जन कराया। इस प्रकार बड़े बालक का नाम कुश और दूसरे का नाम लव रखा गया। शत्रुघ्न को भी यह समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अगले दिन प्रातः काल सब कर्तव्यों से निवृत्त होकर शत्रुघ्न मधुपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात्रियां व्यतीत करके वे महर्षि चवन के आश्रम में पहुंचे। साथियों, अगले प्रसंग में फिर मिलते हैं। जय जय श्री राम।